आइटम वाले विवादित बयान को लेकर खंडवा में कमलनाथ सफाई देते नजर आए। उन्होंने बयान को लेकर कहा, आइटम कहने में किसी का अपमान नहीं होता। कमलनाथ ने कहा, आज भी राजनारायण सिंह हमारे मंच के आइटम नंबर वन है और आइटम नंबर दो अजय सिंह है। शिवराज सिंह मेरे अपमान का बहाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं सच्चाई के साथ उनकी पोल खोलता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहने वाले बयान पर सफाई दी और कहा, कल मैंने जो कुछ कह दिया था वो सोचने का था। मुझे तो नाम याद नहीं था, आज भी याद नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें लिखा है आइटम नंबर 1, 2, 3, इसमें किसी का अपमान नहीं है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा और कहा, शिवराज तो बहाना ढूंढते रहते हैं कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता। उन्होंने कहा, वे सच्चाई के साथ शिवराज की पोल खोलते हैं। उन्होंने कहा, शिवराज कहते हैं मैं कोका कोला पीता हूँ। हाँ पीता हूँ, क्या मेरे कोला पीना बंद करने से किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं? हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर वन थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर थ्री दो थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर वन, आइटम नंबर टू, आइटम नंबर थ्री, किसी का अपमान? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता हूँ। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार, मैं पीता हूँ कोको कोला, अगर कोको कोला बंद पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज की, ये इनका हाल है। पहचान जाइएगा आज की, ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।